मीटर की ऊंचाई पर बर्बाद कर देगा। इसके मकर जाल से बचना मुश्किल है। सरहद पर शत्रु का संहार करेगा स्पाइडर। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अब एक ऐसा स्पाइडर तैनात होने जा रहा है जो अपनी जगह पर खड़े खड़े सरहद पार से आने वाली हर आफत पर मुसीबत बनकर टूट पड़ेगा। अब पाकिस्तान न तो जमीन के रास्ते भारत में घुसपैठ करवा पाएगा और न ही आसमान से दखल मार पाएगा, और अगर ऐसा किया तो उसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। कौन है ये स्पाइडर, कहां से आया है ये, और चीन पाकिस्तान दोनों से कैसे करेगा ये हिंदुस्तान की हिफाजत, बताएंगे आपको। पर पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ जमीन से आसमान में एक मिसाइल फायर की जाती है। कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये मिसाइल पहले तो नीचे की तरफ आती है और फिर चकमा देते हुए वापस आसमान की गहराइयों में समा जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये मिसाइल आसमान में तेजी से बढ़ते इस टारगेट को हिट करती है। अब अगली तस्वीर देखिए, यहाँ आसमान में कैसा कोहराम मचा हुआ है। सायरन की आवाज के बीच यहाँ दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए, एक के बाद एक जमीन से छूटती मिसाइलें। दरअसल यहाँ इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच लड़ाई छिड़ी है। फलस्तीन की ओर से इसराइल पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, पर उसकी एक भी मिसाइल टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उससे पहले ये मिसाइलें आसमान में ही उनका काम तमाम कर दे रही हैं। अब रात की ये तस्वीरें देखिए, रोशनी से जगमग ये शहर इस सायरन की चेतावनी से गूंज रहा है, क्योंकि दुश्मन ने मिसाइल अटैक किया है। देखिए, आसमान में होती ये लाइटिंग जो दरअसल मिसाइल और ड्रोन हमले की तस्वीर है। देखिए, एक साथ कितनी मिसाइलें और ड्रोन, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें आसमान में ही खात करने का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। आप सोच रहे होंगे, इसराइल और फलस्तीन के बीच छड़े इस मिसाइल वॉर की तस्वीरों का हिंदुस्तान की सरहद से क्या रिश्ता है। रिश्ता है, कैसे समझाएंगे आप, पर उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, इस बियाबा इलाके में जमीन से एक मिसाइल आसमान में दागी जाती है। इसे अपने टारगेट को तबाह करना है। देखिए, ये रहा टारगेट, एक फाइटर जेट। अगले ही पल उसका अंजाम तय हो जाता है। ये तमाम तस्वीरें उसी स्पाइडर की जो बहुत जल्द इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मन को दहलाने वाला है। फिर चाहे वो पाकिस्तान की मिसाइल हो या ड्रैगन का ड्रोन, हिंदुस्तान के आसमान में घुसते ही अब उसका खात्मा तय है। दरअसल इसराइल का स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अब हिंदुस्तान की सरहद का सूरमा बनने वाला है। भारत और इसराइल के बीच कई साल से पेंडिंग पड़ी इस डील को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है, और अब बहुत जल्द इसराइल की तरह ही हिंदुस्तान के सरहदी इलाके भी दुश्मन के हमले से फुल प्रूफ सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ आपको ये बता दें कि भारत और रूस के बीच पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की डील हो चुकी है, जो किसी भी मिसाइल या ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है, लेकिन उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसलिए देश को जरूरत थी ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो कम दूरी के खतरे को कम से कम वक्त ठिकाने लगा सके, और इसराइल से आने वाले स्पाइडर को इस काम में महारत हासिल की। अजय जी,
ये डर्बी मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल। इस एनिमेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान में ये डर्बी मिसाइल दुश्मन के लिए कैसे काल बन सकती है। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये दूसरा एनिमेशन देखिए। आसमान में एक साथ आगे बढ़ते ये चार लड़ाकू विमान जो पाइथन 5 मिसाइलों से लैस, देखिए सामने से दुश्मन के भी चार लड़ाकू विमान चले आ रहे हैं। एक्शन टाइम शुरू होता है। टारगेट को लॉक करते ही ये लड़ाकू विमान एक एक पाइथन मिसाइल दाग देते हैं। बाद में बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी जाती है। हमले के बाद दोनों तरफ के लड़ाकू विमान पैंतरा बदल कर बचने की कोशिश करते हैं, पर पाइथन का प्रहार दुश्मन के चारों फाइटर विमानों को आसमान में स्वाहा कर देता है। डर्बी और पाइथन की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिसाइलें भारत इसराइल से मिल रहे स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। एक हवा से हवा में मार करती है और दूसरी जमीन से आसमान अचूक निशाना लगा सकती है। दूर तक बात करने में सक्षम है। आसमान में इसकी रेंज 20 मीटर से 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी यह मिसाइल सिस्टम किसी दो मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर टारगेट को तबाह कर सकता है। इंडो पाक बॉर्डर पर इसकी तैनाती का मतलब है कि अगर कम ऊंचाई से दुश्मन का कोई ट्रोही विमान, ड्रोन या मिसाइल सरहद लांघने की जरूरत करती है तो उसे मटियामेट कर दिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर से गुजरात तक इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई है करीब 3,323 किलोमीटर और स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खास तौर से देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की योजना है, यानी राजस्थान और गुजरात से लगने वाली भारत पाक सरहद पर। ऐसा माना जा रहा है कि स्पाइडर की तैनाती के बाद भारत के सरहदी इलाकों को भी इसराइल की तरह ही सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि भारत के पास आकाश जैसी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी हैं जो 25 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। पर स्पाइडर के आने से देश की सुरक्षा ढाल और मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद चीन या पाकिस्तान किसी के लिए भी हिंदुस्तान के आसमान में दखल मारना नामुमकिन हो जाएगा। वरुण जैन और अजय जांडियाल के साथ ब्यौरा रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसराइल का राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भारत के लिए भविष्य का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। राफेल अपने सुरक्षा वाले इलाके में आसमानी सुरक्षा घेरा तैयार करता है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। इसका सीधा मतलब रक्षा कवच है। अब इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यहाँ नीले घेरे में दिख रहा है ये छोटा शहर आयरन डोम के हवाले है। अब देखिए अगर दुश्मन ने यहाँ किसी तरह का हवाई हमला करने की कोशिश की तो वो कैसे नाकाम हो जाता है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई रॉकेट या छोटी मिसाइल दागी जाती है तो सबसे पहले राफेल डिफेंस सिस्टम में लगा रडार खतरे को भांपता है, रॉकेट की सही जगह और दूरी को ट्रैक करता है। इसके बाद यहाँ से रॉकेट की स्पीड और दूरी का डेटा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट यानी PMC तक भेजता है। यहाँ से ये डेटा एंटी अटैक लॉन्चर तक और फिर इंटरसेप्टर तक पहुँचता है और इंटरसेप्टर काउंटर रॉकेट को
दुश्मन के रॉकेट की तरफ तेजी से मोड़ता है और फिर इसके पास पहुंचता है और आता है। ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। आयरन डोम का पूरा डेटा यहां तक पहुंचता है और इससे हमले को और सटीक बनाया जाता है। इस डिफेंस सिस्टम के साथ कई लॉन्चर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। छोटे शहरों के लिए कम संख्या में मोबाइल लॉन्चर्स की तैनाती की जा सकती है और बड़े शहरों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर श्रीनगर को सुरक्षा कवर देना हो तो यहाँ कम लॉन्चर्स की तैनाती की जाएगी और दिल्ली के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा। ये सिर्फ उसी पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है जिसके बारे में डेटा फीड किया जाता है या फिर जो आयरन डोम के इलाके में होता है। देखिए, नीले रंग से घिरा इलाका इस डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित है। यहाँ 3 रॉकेट दागे जा रहे हैं जिसमें से 2 इस इलाके में टारगेट करके दागे गए हैं और 1 बाहर के इलाके की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम सिर्फ खास इलाके को प्रोटेक्ट करेगा। वक्त की जरूरत और दुश्मनों की तरफ से कायम खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान और इजराइल की ये दोस्ती बड़े पड़ों के छक्के छुड़ा सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम अभी भारत सहित 10 देशों के पास ही है। इसमें ताइवान जैसा देश भी है जो इसके दावे करता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं भारत के पास कामयाब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दिसंबर 2007 से ही है, जब भारत ऐसी क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। तब अमेरिका, रूस और इजराइल के पास ये सिस्टम था। मौजूदा वक्त में दिल्ली और मुंबई जैसे शहर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कवर के तहत आते हैं, लेकिन इजराइल के सिस्टम की अलग खासियत है। छोटी दूरी में इसका सिस्टम लगभग अचूक है। ये 90% तक कामयाब माना जाता है। इसलिए भारत ने इजराइल के साथ बड़ी रक्षा साझेदारी के बाद इस सिस्टम को अपनी धरती पर और ज्यादा विकसित करने का ऐलान किया है। भारत और इजराइल के बीच आने वाले दिनों में आतंकवाद रोकने को लेकर साझेदारी और बढ़ सकती है, क्योंकि दहशतगर्दों के खात्मे में इजराइल जैसा आक्रामक रुख किसी और देश का नहीं। वो रिहायशी इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों पर ऐसा सटीक हमला करता है कि बगल की बिल्डिंग तक को नुकसान न हो। इसराइल ने ऐसा एक नहीं, कई बार किया है, जब उसने हमास के रिहायशी इलाकों के अड्डे को तबाह कर दिया। इसराइल के इस अटैक को लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े हुए, लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया कि दुश्मनों को जवाब देने के गिनती के रास्ते होते हैं और आखिरी रास्ता चुनना ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मीटर की ऊंचाई पर बर्बाद कर देगा। इसके मकर जाल से बचना मुश्किल है। सरहद पर शत्रु का संहार करेगा स्पाइडर। कैसे समझाएंगे आप, पर उससे पहले
कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, इस बियाबा इलाके में जमीन से एक मिसाइल आसमान में दागी जाती है। इसे अपने टारगेट को तबाह करना है। देखिए, ये रहा टारगेट, एक फाइटर जेट। अगले ही पल उसका अंजाम तय हो जाता है। ये तमाम तस्वीरें उसी स्पाइडर की जो बहुत जल्द इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मन को दहलाने वाला है। फिर चाहे वो पाकिस्तान की मिसाइल हो या ड्रैगन का ड्रोन, हिंदुस्तान के आसमान में घुसते ही अब उसका खात्मा तय है। दरअसल इसराइल का स्पाइडर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अब एक ऐसा स्पाइडर तैनात होने जा रहा है जो अपनी जगह पर खड़े खड़े सरहद पार से आने वाली हर आफत पर मुसीबत बनकर टूट पड़ेगा। अब पाकिस्तान ना तो जमीन के रास्ते भारत में घुसपैठ करवा पाएगा और ना ही आसमान से दखल मार पाएगा, और अगर ऐसा किया तो उसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। कौन है ये स्पाइडर, कहां से आया है ये, और चीन पाकिस्तान दोनों से कैसे करेगा ये हिंदुस्तान की हिफाजत, बताएंगे आपको। पर पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। देखिए, यहां जमीन से आसमान में एक मिसाइल फायर की जाती है। कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये मिसाइल पहले तो नीचे की तरफ आती है और फिर चकमा देते हुए वापस आसमान की गहराइयों में समा जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये मिसाइल आसमान में तेजी से बढ़ते इस टारगेट को हिट करती है। अब अगली तस्वीर देखिए, यहाँ आसमान में कैसा कोहराम मचा हुआ है। सायरन की आवाज के बीच यहाँ दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए, एक के बाद एक जमीन से छूटती मिसाइलें। दरअसल यहाँ इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच लड़ाई छिड़ी है। फलस्तीन की ओर से इसराइल पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, पर उसकी एक भी मिसाइल टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उससे पहले ये मिसाइलें आसमान में ही उनका काम तमाम कर दे रही हैं। अब रात की ये तस्वीरें देखिए, रोशनी से जगमग ये शहर इस सायरन की चेतावनी से गूंज रहा है, क्योंकि दुश्मन ने मिसाइल अटैक किया है। देखिए, आसमान में होती ये लाइटिंग जो दरअसल मिसाइल और ड्रोन हमले की तस्वीर है। देखिए, एक साथ कितनी मिसाइलें और ड्रोन, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें आसमान में ही खात करने का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। आप सोच रहे होंगे, इसराइल और फलस्तीन के बीच छड़े इस मिसाइल वॉर की तस्वीरों का हिंदुस्तान की सरहद से क्या रिश्ता है? रिश्ता है। मीटर की ऊंचाई पर बर्बाद कर देगा। इसके मकर जाल से बचना मुश्किल है। तमाम कर दे रही है। अब रात की ये तस्वीरें देखिए, रोशनी से जगमग ये शहर इस सायरन की चेतावनी से गूंज रहा है, क्योंकि दुश्मन ने मिसाइल अटैक किया है। देखिए, आसमान में होती ये लाइटिंग जो दरअसल मिसाइल और ड्रोन हमले की तस्वीर है। देखिए, एक साथ कितनी मिसाइलें और ड्रोन, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें आसमान में ही खात करने का पूरा बंदोबस्त मौजूद है। आप सोच रहे होंगे,
इसराइल और फलस्तीन के बीच छड़े इस मिसाइल वॉर की तस्वीरों का हिंदुस्तान की सरहद से क्या रिश्ता है? किया तो उसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। कौन है ये स्पाइडर, कहां से आया है ये, और चीन पाकिस्तान दोनों से कैसे करेगा ये हिंदुस्तान की हिफाजत, बताएंगे आपको। पर पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये इसराइल की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ जमीन से आसमान में एक मिसाइल फायर की जाती है। कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये मिसाइल पहले तो नीचे की तरफ आती है और फिर चकमा देते हुए वापस आसमान की गहराइयों में समा जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये मिसाइल आसमान में तेजी से बढ़ते इस टारगेट को हिट करती है। अब अगली तस्वीर देखिए, यहाँ आसमान में कैसा कोहराम मचा हुआ है। सायरन की आवाज के बीच यहाँ दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए, एक के बाद एक जमीन से छूटती मिसाइलें। दरअसल यहाँ इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच लड़ाई छिड़ी है। फलस्तीन की ओर से इसराइल पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, पर उसकी एक भी मिसाइल टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उससे पहले ये मिसाइलें आसमान में ही उनका काम। सरहद पर शत्रु का संहार करेगा स्पाइडर। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अब एक ऐसा स्पाइडर तैनात होने जा रहा है जो अपनी जगह पर खड़े खड़े सरहद पार से आने वाली हर आफत पर मुसीबत बनकर टूट पड़ेगा। अब पाकिस्तान ना तो जमीन के रास्ते भारत में घुसपैठ करवा पाएगा और ना ही आसमान से दखल मार पाएगा, और अगर ऐसा